नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम घट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। यहां पर गुलशन आरा जो जीती हुई कैंडिडेट हैं, डीडीसी कैंडिडेट थी ये कांग्रेस की तरफ से, और इन्होंने जीत हासिल की थी। और आज इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लोगों के सामने आए, लोगों को पहला मतलब लोगों के सामने आकर उन्होंने बताया कि जब जीतने के बाद, और इनसे ये भी पूछेंगे कि अभी तक ये गांव में जहाँ जहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए और कहाँ कहाँ लोगों से बात की, और जो भी उनके मसले थे, जिन मसलों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़े थे और वादे किए थे लोगों से, तो लोग जो हैं कब तक वो पूरे होंगे। मैम आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। जी शुक्रिया आपका जो आप यहाँ आए। मैम मुझे ये बताएं कि आप गांव में जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है कि कैसे सुधरेगी ये प्रॉब्लम? बिजली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये जो लोगों को किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, लाइट्स तो होती नहीं है लेकिन किराया तो बहुत ज़्यादा है लोगों का, लोग मजबूर हैं, कहाँ से लाएंगे, गरीब आवाम है, इसलिए उनको बिजली का किराया जो है वो कम करना चाहिए, या तो लाइट्स, पहले तो लाइट्स का इंतज़ाम करना है, लाइट्स पूरी होनी चाहिए उनको, वो जलाने वाले को 350 किराया देना पड़ता है। कल बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, होते हैं बिजली का किराया, किसी को 20,000, किसी को 30,000, लाइट्स तो होती नहीं है लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है, लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे। एक तो पीछे लॉकडाउन था, गरीब आवाम के पास कुछ भी नहीं है, वो खाना कहाँ से लाएंगे, बच्चों को कहाँ से देंगे, बिजली का किराया कैसे देंगे, तो इसलिए बिजली डिपार्टमेंट से अपील है कि वो उनका किराया कम करें और लाइट्स का इंतज़ाम करें। मैम हमारे लोकल एरिया में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे आपने लाइट की बात की, एमजी नरेगा की बात की, रोड की बात की, ये और रोड भी अगर हम देखें डोडा से यहाँ लेकर, तो आप खुद ही देख सकते क्या हालात है इस रोड की। तो बहुत बुरी हालत है, आवाम को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, जैसे कभी कोई बीमार होता है, कोई तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है रोड की वजह से, इसलिए रोड का भी ख्याल रखना है। मतलब को नहीं बोलो रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए रोड को भी देखना है, रोड की भी हालत ठीक करनी है। ये सारे मुद्दे जो हैं, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये लेकर आप जाएंगे उनके, अब लोग पूछते होंगे क्योंकि आप जीत चुके हैं तो कब करेंगे हमारे मसले हल, बोलते होंगे आके? नहीं वो तो बोलते रहते हैं, वो तो उन्होंने बोलना ही, क्योंकि उन्होंने तो हमें जिताया है, हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया आवाम ने, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आवाम का ख्याल रखें, हमें भी बस पूछो। तो ये थे गुलशन आरा जी, इन्होंने बताया कि इनके लोगों ने जो भी इनके ऊपर वादा, जो भी इन्होंने वादे किए थे लोगों से, और लोगों ने जो भी इनके ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरेंगे, ये इन्होंने बताया। अभी इनके पति भी हैं यहाँ पे, इनसे हस्बैंड से बातचीत करेंगे इनसे। सर स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर मुझे ये बताएं कि द लोकल रिपोर्ट पे कुछ दिन पहले गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, इसी में हमने एक स्टोरी चलाई थी नालवा से, सनी कुमार उनकी बैकबोन जो है वो डैमेज हुई है और 4 साल से वो वहीं पे पड़े हुए हैं, तो द लोकल रिपोर्ट पे हमने स्टोरी दिखाई थी और हमने उसमें आपका जिक्र भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिसेंटली वो वोट मांगने आए थे एंड हमने उन्हीं को वोट डाला है और वो जीत चुके हैं, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि अब क्या वो आपका क्या हेल्प करेंगे, तो उन्होंने कहा था उम्मीद है, तो आप क्या हेल्प करेंगे? मैं उनके घर में जब भी जब वो पेड़ से गिरे थे, वो भागचंद जी के लड़के हैं, तो जवान है, यंग है, जब वो पेड़ से गिरा तो मैं उनके घर गया, मैंने उनके घर की हालत देखी, बहुत ही खस्ता और ख़राब हालत थी उनकी। अगर ऐसे जैसे लोगों को हम देख ना पाएँ तो फिर लोग हम पे क्या यकीन करेंगे, क्या भरोसा करेंगे। मैं उनके घर में अक्सर जाता रहता हूँ और जाऊँगा, और उनके लिए जितना भी मुझसे हो सके मैंने किया भी है पहले,
तो मैंने शायद, मुझे याद है कि मैंने चंदा भी लोगों से इकट्ठा किया था और उनको पहुंचा के दिया था घर में, और खुद भी जो कुछ मुझसे हो सकता था वो भी मैंने किया था। मुझे बड़ा अफसोस है, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उस बेचारे को किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं पूछा आज तक, या किसी ऐसे आदमी ने नहीं पूछा। हालांकि उसका मुझे शक था कि इसका इलाज हो जाए, लेकिन चलो आप वहां पे पहुंचे हैं, आपने उसको हाईलाइट किया, बहुत ही ये बहुत अच्छा काम है, उसके लिए आपको ऊपर वाला उसका ज़रूर अजर देगा। सर उसमें देखा ये भी गया कि उनको घर भी नहीं मिला है, वहाँ पे हमने उनके साथ बातचीत की तो उनको घर भी नहीं मिला। अब आप, क्योंकि आप अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं देखा, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं अब, तो अब आप क्या देखेंगे, कैसे उस पूरे मसले को क्लियर करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनको एक घर मिले, क्योंकि उनकी अब जो अहलिया है वो बेचारी, उसको किसी का सहारा नहीं है, तो अगर उसको एक घर मिले तो वह, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चंद ही दिन में उसके घर का काम लगाया जाए। और सर हमारे एरिया में देखा गया कि जोधपुर के अंदर एक मर्डर हुआ CISF के, वो भी हमने इस पे दिखाया, तो सर आप मुझे बताएं कि ऐसी ऐसी सोसाइटी में हमारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आज तक कभी सुनाई नहीं देती थी, तो इसके बारे में क्या बताएं? यह हम लोगों की बदकिस्मती है, क्योंकि ऐसा आज तक हमने अपने डिस्ट्रिक्ट अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में कभी नहीं सुना था, लेकिन आज पहली बार हमने सुना कि यहाँ भी मर्डर हो रहे हैं, यहाँ भी कत्ल हो रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमने ऐसे जैसे माहौल को यहाँ आने दिया और उसको साथ दिया, ये हम लोगों का कसूर है, उन लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन मैं आने वाली नस्ल को, आने वाली जो नस्ल है उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हरगिज़ भी नहीं, ऐसा माहौल किस कत्ते भी यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा है, वो पहले से कायम है और इंशाल्लाह आने वाले काल में भी कायम रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपके पास आऊँगा। वो जो जोधपुर वाला केस है, उसमें जो वुमन थी, उन्होंने अपने पति को मारा, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि क्या ये गलत हुआ सुसाइड? नहीं, ये तो गलत हुआ है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्यों हुआ, के ऐसा क्यों हुआ। आज तक तो यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं कभी, ना ही हमने कभी सुना कि हमारे इलाके में ऐसा हुआ है। इसको तो अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और भी बातचीत पूरी की इन्होंने, इनके साथ हमने पूरी बातचीत की पूरे एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आगे ये पूरी करेंगे, इन्होंने अपना दावा दिया है। आप सभी लोग जो देख रहे हैं, जो गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं, वो सभी, कोई भी प्रॉब्लम हो वो हम तक पहुँचे या इनके पास आए, ये मसला पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि अब ये आने वाले यही एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आप यूं ही देखते रहें द लोकल रिपोर्ट, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलेंद्र परिहार।